हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको 5.3 एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं जो पेपर के तौर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका क्या कह रहा है कि 2x + 3y इक्वल टू साइन एक्स। इसका dy/dx निकालना है तो लिखेंगे क्या हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके ठीक है, देखो 3dx/dx + 3, यहाँ पे 2 है, 2 3 dy/dx इक्वल टू d sin x और ये dx, ठीक है। ओके, x का अवकलन क्या हो जाता है 1, तो 2 × 1 + 3 dy/dx इक्वल टू साइन का अवकलन क्या होता है cos, ठीक है cos x। तो ये 2 + 3 dy/dx इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो ये कांस्टेंट वैल्यू इधर जाएगी, ये इधर पॉजिटिव है, अगर इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो 3dy/dx इक्वल टू cos x - 2। अब हमें चाहिए क्या dy/dx, तो इसे इसके अपान में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये cos x / 3 - 2/3, ये दोनों के बटे हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नंबर सेकंड है, देखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो 2 dx/dx + 3 dy/dx इक्वल टू d sin y d x। ओके, तो x का अवकलन क्या होता है 1 2 × 1 + 3 dy/dx इक्वल टू साइन का अवकलन क्या होता है cos y और ये dy/dx। अगर x होता तो 1 हो जाता है, ठीक है, सापेक्ष हो रहा है x के है y, तो dy/dx, तो 2 + 3 dy/dx इक्वल टू cos y dy/dx। ओके, ये वैल्यू उधर जाएगी, ये पॉजिटिव है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव। 2 = cos y dy/dx -3 dy/dx। इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है, dy/dx और ये बचा का cos y - 3 = 2। ये इसके अपान में आ जाएगा और dy/dx इक्वल टू 2 upon cos y - 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ax + by² = cos y। ओके, इसका dy/dx निकालना है तो लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन ax/dx + by dy² / dy/dx इक्वल टू d cos y और ये dx। ओके, तो देखो a × x की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस पावर आ गया पावर में कम 2 by और ये dy/dx इक्वल टू साइन का क्या हो, कॉस का अवकलन क्या होगा माइनस साइन
साइन वाई, और ये फिर डी वाई बाई डी एक्स। ओके अब देखो ए इक्वल टू ए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स। ओके अब देखो क्या करेंगे, इसको हम इधर लेंगे, ये वाला उधर ट्रांसफर करेंगे, तो टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके और ये देखो ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का है। ओके अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचा इसमें टू बी वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, ये इसके अपान में आ जाएगा, क्या चाहिए हमें डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस ए अपान टू बी वाई प्लस साइन वाई। ओके ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कंप्लीट होगा, हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ओके ये क्वेश्चन आपका है, समझ में बात आई कि नहीं यहाँ तक, तो क्या करेंगे वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x सापेक्ष, तो ये देखो इसमें प्रथम पद ये द्वितीय पद, क्या होता है प्रथम पद ऐसे द्वितीय पद का अवकलन x dy by डी एक्स प्लस द्वितीय पद ऐसे प्रथम पद का अवकलन प्लस डी वाई स्क्वायर अपान डी एक्स इक्वल टू डी 10x अपान डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, ठीक है प्लस पावर आगे पावर में कम तो 2y फिर dy by dx 10 का अवकलन क्या होता है sec square x और dy by dx इसका x है तो क्या हो जाएगा 1 plus dy by dx, एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना गुड। अब देखो अब इससे हम इसको एक तरफ करेंगे x dy by dx और प्लस 2y dy by dx, ये प्लस का इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस dy by dx, ये प्लस का y है उधर जाएगा तो काहे का होगा माइनस, तो sec square x माइनस y, इन तीनों टर्म से क्या कॉमन मिल रहा है dy by dx गुड, तो ये x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec square x माइनस y, अब dy by dx ये इसके अपान में आ जाएगा क्या हो जाएगा sec square x minus y अपान x plus 2y minus 1, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका कंप्लीट हो गया, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई कल टू 100। ओके ये क्वेश्चन है, इसे क्या करना है अवकलन, देखो इसमें कितने टर्म है दो, इसे फर्स्ट मानेंगे इसे सेकंड, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है तो लिखेंगे हम क्या एक्स के सापेक्ष अवकलन, बन तो क्या डी एक्स स्क्वायर अपान डी एक्स प्लस ये प्रथम पद ऐसे द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद ऐसे प्रथम पद का अवकलन प्लस डी वाई स्क्वायर अपान डी एक्स इक्वल टू 100
वन डी एक्स। ओके तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर है क्या होगा, पावर आगे पावर में कम, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी 1 प्लस इसमें क्या पावर आगे पावर में कम फिर डी वाई बाई डी एक्स और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 के 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0 और यू आर हीरो। ठीक है तो 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये देखो कांस्टेंट वैल्यू है, कहाँ ले जाएंगे उधर ले जाएंगे तो क्या पॉजिटिव है, उधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी निगेटिव। तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचा x प्लस 2y, ये क्या हो जाएगा इधर माइनस 2x माइनस वाई। ओके एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना, गुड। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई और ये अपान में आ जाएगा इसके, ठीक है तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5th का कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कैसे, ये दिया हुआ है। हेलो इधर देखो ये है, ठीक है तो क्या लिखेंगे हम, देखो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, ठीक है तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है तो देखो डी एक्स क्यूब ये डी एक्स प्लस प्रथम पद ऐसे द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद ऐसे प्रथम पद का अवकलन। ओके प्लस लगा यहाँ पे, प्लस लगा देंगे प्रथम पद ऐसे द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद ऐसे प्रथम पद का अवकलन प्लस ये वाई क्यूब और ये डी एक्स इक्वल टू 81 डी वन ये। ओके यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, देखो पावर 3 है तो पावर आगे पावर में कम, ये कितना हो जाए 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर आगे पावर में कम तो कितना 2x, फिर x का अवकलन हो जाएगा तो क्या होगा 1, जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक हम अवकलन क्या करते रहते हैं, ठीक है प्लस एक्स फिर पावर आगे पावर में कम 2y और ये dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। ओके प्लस पावर आगे पावर में कम 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 81, ये कांस्टेंट वैल्यू 1 है इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। ओके अगर किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 0। ओके तो कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके अब देखो यहाँ पे जो जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको बाहर इधर ट्रांसफ़र करेंगे उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डाटा इधर लाएंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस 2xy और ये माइनस वाई स्क्वायर। ओके
देखो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो ये क्या है, ये इसके अपान में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स का हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन इतना एकदम सुंदर और सुशील है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और जो पेपर में इसके आने के पूरे प्रबल चांस हैं। क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस, बोलो भैया, कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। ये सवाल नहीं, एकदम ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। क्या करेंगे देखो, इस पहले अवकलन करने के बाद फिर इसमें फर्स्ट और सेकंड लगेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई अपान डी एक्स इक्वल टू के डी वन अपान डी एक्स। ओके, देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पावर आगे पावर में एक कम, तो क्या हो जाएगा, टू साइन वाई। अभी सिर्फ मैंने क्या किया, पावर का अवकलन किया, ठीक है, साइन का तो किया नहीं। साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, अगर एक्स होता तो वन हो जाता, वाई है तो सापेक्ष किसके हो रहा, एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब देखो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स वाई। ओके, डी अगर यहाँ पे एक्स होता तो क्या हो जाता, वन, यहाँ पे क्या है एक्स वाई, तो ये डी एक्स इंटू वाई। ओके, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है के इंटू जीरो, ठीक है, कहाँ, यहाँ पे नहीं, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो इस, ये फर्स्ट ये सेकेंड, प्रथम पद ऐसे द्वितीय पद का अवकलन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपान डी एक्स और इक्वल टू जीरो। ओके, नहीं प्रॉब्लम, गुड। अब देखो, हेलो हेलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और लगा क्या, देखो एक तुमने बचपन में पढ़ा होगा, साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसके स्थान पे ये डाल सकते हैं, नहीं ना, गुड। तो क्या होगा ये, इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इंटू वन इक्वल टू जीरो। अब ये साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक, हेलो हेलो। देखो अब देखो ये जिसमें वाई नहीं, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे उधर, तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो डी वाई बाई डी एक्स बचा का अंदर साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई
और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y साइन एक्स वाई। ओके अब देखो यहाँ पे, अब इसे हम फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपान साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 एकदम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।